ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि लोगों में इतना लगाव है इस और सरकार के कार्यों के बारे में, इतना गुस्सा है, हर आदमी नाराज है, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना चाहता है। इस तरह से हमको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में हमको जनपद अयोध्या का सांसद बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है। इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है। और साथ ही साथ आपको पता है कि 18 तारीख को हाजीपुर बरसेंडी थाना रौनाही की पुलिस ने 18 तारीख को जब अंबरपुर में सरकारी कोटे का चयन हो रहा था उसमें दुखीराम 35 साल की उम्र थी, वो गया हुआ था वोट डालने और वहां के दरोगा ने जब उसने कहा अरे भाई ये तो सुरक्षित सीट थी, ये तो हरजन का कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया, दरोगा आग बबूला हो गए, धक्का मारा, इतना धक्का मारा, धक्का मार के बुलाया, वो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया और अस्पताल आते आते मर गया। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी परसों किया था, छपा भी है और आज उसके घर ही से आ रहे हैं। शोक संवेदना थी, कम से कम 5,000 की भीड़ थी और इसमें घोषणा भी किया है अगर कार्रवाई न हुई, पीड़िता की मदद न की गई तो पहली तारीख को जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में हम धरना देंगे, घेराव देंगे। इसी को दबाने के लिए ये मनग्रहण करके ये FIR किया है, इसमें कोई बल नहीं, पूरा झूठा है।